हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अच्छा, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसमें एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे। अगर आप ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आ रहे हो तो आपको किस किस पेपर में एग्जामिनेशन मिलेगी इंटरमीडिएट फाइनल में। अगर आप सीएस कंप्लीट कर रहे हो तो आपको किस किस पेपर में आपको एग्जाम मिलेगी। अगर आपने LLB कंप्लीट की है तो किस किस पेपर में आप एग्जामिनेशन ले पाओगे, या अगर आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो CMA का किस किस पेपर में आप एग्जामिनेशन ले पाओगे, इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपको CMA रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारा चैनल दे देगा। एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, पहले इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट से बात करते हैं। ठीक है, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो पेपर ओल्ड सिलेबस के, और जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो न्यू सिलेबस के पेपर है। चलते हैं, अगर आप ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आपने एग्जामिनेशन लिए तो पेपर नंबर 6 न्यू सिलेबस में आप एग्जामिनेशन ले पाओगे। अगर ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 6 लेबर लॉ एंड एथिक्स में एग्जामिनेशन है तो न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 7 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स में आपको एग्जामिनेशन मिलेगी। अगर आप पेपर नंबर 7 ओल्ड सिलेबस का है, पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स और पेपर नंबर 11 इनडायरेक्ट टैक्स, कोई सा भी हो, अगर आपने इसमें एग्जामिनेशन लाई है तो न्यू सिलेबस में जो पेपर नंबर 7 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इसमें आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगी। अगर आप पेपर नंबर 8 में एग्जामिनेशन ले रखे हो तो न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 8 एग्जाम होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का। पेपर नंबर 9 ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओल्ड सिलेबस का, इसमें एग्जामिनेशन है आपके पास तो न्यू सिलेबस में भी सेम पेपर आपके एग्जाम हो जाएगा। पेपर नंबर 10 कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर इसमें आपका एग्जामिनेशन है तो पेपर नंबर 12 है न्यू सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें आपको एग्जामिनेशन मिल जाएगी। ओल्ड सिलेबस में अगर आपने कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट ये एग्जाम है तो न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 10 है वो आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वो स्टूडेंट हो जो सिलेबस 2016 के हैं और पेपर नंबर 7 या पेपर नंबर 11 में आपने एग्जामिशन ली थी न्यू सिलेबस 2016 में, तो आप जो आप न्यू सिलेबस में आओगे तो आपको पेपर नंबर 7 में आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। पेपर नंबर 7 आपको देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर कर रखा है या जो ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 7 अगर आपका एग्जम्प्ट है तो न्यू सिलेबस में जब आप आओगे सिलेबस 2022 में तो आप पेपर नंबर 7 आप कोई भी देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप बाकी सभी स्टूडेंट को पेपर देने की जरूरत है पेपर नंबर 7। अब बात करते हैं, अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट किया है तो आपको इंटरमीडिएट में दो पेपर की छूट मिलेगी, एक है पेपर नंबर 7 और दूसरा है पेपर नंबर 10। ठीक है, अगर आप एग्जम्प्शन लेना चाहते हो तो ₹1000 पर पेपर के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई आप कर सकते हो आपके एग्जाम होने से 60 दिन के पहले तक। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, अगर आपने LLB कंप्लीट किया तो आपको ओनली एक पेपर में एग्जामिनेशन मिलेगी पेपर नंबर 5 में। अगर आप क्वालिफाइड इंजीनियर हो तो आपको पेपर नंबर 9 में एग्जामिनेशन मिलेगी। अगर आप चाहते हो एग्जामिनेशन लेना ₹3000 पर पेपर के हिसाब से अप्लाई कर पाओगे, वही 60 दिन का ड्यूरेशन है इसमें भी। अगर आप CMA फाइनल के स्टूडेंट हो तो आपको पेपर में एग्जामिनेशन कैसे मिलेगी, अगर आप ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 13 आपका एग्जाम है तो न्यू सिलेबस में भी 13 एग्जाम होगा। ओल्ड सिलेबस में 14 एग्जाम है तो न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 14 एग्जाम होगा। ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 15 एग्जाम है तो न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 16 एग्जाम होगा। ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 16 एग्जाम है तो न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 15 एग्जाम होगा। ओल्ड सिलेबस में पेपर नंबर 17 एग्जाम है तो न्यू सिलेबस में पेपर नंबर 18। ओल्ड में अगर 18 एग्जाम है तो न्यू में 19। ओल्ड में 19 एग्जाम है तो न्यू में 17। और ओल्ड में 20 वाला एग्जाम है तो न्यू में 20A वाला एग्जाम हो जाएगा। अगर आप CS वाले स्टूडेंट तो फाइनल में आपको दो पेपर में एग्जामिनेशन मिलेगी पेपर नंबर 13 और पेपर नंबर 19 में, वही ₹1000 लगेंगे और आप अप्लाई कर सकते हो 60 दिन तक। आपको ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम CS CMA अपडेट है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपको CMA रिगार्डिंग सारी अपडेट हमारा चैनल दे देगा। आपसे हम मिले अगली वीडियो में, बाय बाय।